सो है गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आप लोगों को पर रेफर 500 रुपीज़ करके अर्निंग करने का मौका मिल जाएगा। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना रेफर कर पाओगे उतने ही बार आप लोग 500 रुपीज़ करके अर्निंग कर सकते हो। और इसमें आप लोग जो भी अर्निंग करोगे ना उस पैसे को डायरेक्ट आप अपने बैंक पर कर सकते हो। तो मेक श्योर करो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए सो गाइस, सबसे पहले बता दूँ ये जो एप्लीकेशन है एक इंडियन एप्लीकेशन है, 100% सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि रतन टाटा इसके ओनर है। तो जहाँ पर रतन टाटा का नाम जुड़ जाता है वो एक बन जाता है, तो वहां पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहो तो फिर भी एक बार गूगल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है अपस्टॉक। अभी गाइस इसमें एक ऑफर चल रहा है, अभी अगर जाके इसमें आप लोग एक अकाउंट बनाते हो तो आप लोगों को अकाउंट बिल्कुल फ्री में बन जाएगा और आपको एक फ्री में स्टॉक भी मिलेगा अपस्टॉक की तरफ से, और आप लोग रिफंड प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। यानी एक अकाउंट बनाने के लिए टोटल आपका 3 बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक बोलकर, वहाँ पर टैप करो। वहाँ पर जैसे ही टैप करोगे अभी आपको उसमें साइनअप कैसे करना होगा, क्या इसका आगे का प्रोसेस है, चलता है मोबाइल की स्क्रीन में, वहाँ पर चल के आप लोग अच्छे से बताते हैं। तो गाइस लिंक पर जैसे ही टैप करोगे आपके सामने सबसे पहले इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा एंटर योर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो सिंपली यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालो और मोबाइल नंबर डालो, सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पे टैप करो। वहाँ पर जैसे ही टैप करोगे तो गाइस आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, बस ओटीपी को डालो, देन साइन अप वाला ऑप्शन पे टैप कर दो। साइन अप वाला ऑप्शन पे जैसे ही टैप करोगे तो आपको गाइस पूछेगा पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दो और आपका पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर डालना, उसके बाद नेक्स्ट पे टैप कर देना। नेक्स्ट पे जैसे टैप कर दो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का बेसिक से इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, आप मैरिज हो या फिर मैरिड हो या फिर सिंगल हो, आप जो भी हो, आपका इनकम कितना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, थोड़ा सा इस टाइप से ऊपर उठाना इसको, आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको पूछेगा आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, अगर आप लोग कोई पार्टी के लीडर हो या फिर मेंबर हो तो आप इसको येस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाना तो आपके स्टेप्स का एक इंटरफेस मिल जाएगा, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो आप जो भी हो चूज करो, स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, जो भी हो, आपका फादर का नेम क्या है, पैन कार्ड में जो भी है सिंपल उसको डालो। उसको डाल देने के बाद आपको स्टेप का एक ऑप्शन दिखेगा, इज योर कंट्री ऑफ ट्रैक्स रेसिडेंशियली ऑफ अदर देन, अगर आप लोग इंडिया के बाहर कोई टैक्स पे करते हो तो येस करो, अदरवाइज नो करो, तो आप सिंपली नो कर देना। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप करो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। वहाँ पर आपको बोलेगा नाउ सेट योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आप लोग इक्विटी को सेट कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर तीनों को सेट कर सकते हो, आप यहाँ पर इक्विटी को सेट कर देना, अगर आप चाहो तो यहाँ पर तीनों को सेट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठाना इसको ना, आपको और भी लॉट्स ऑफ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हो आप सिंपल। उसके बाद यहाँ पर बेसिक को सिलेक्ट करना, बेसिक को जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने स्टेप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली वहाँ पर टैप करो, देन यहाँ पर आपको बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको एक सरप्राइजली स्टॉक हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो सिंपली येस वाला ऑप्शन पे टैप कर दो। येस वाला ऑप्शन पे जैसे आप लोग टैप करोगे तो गाइज आपके सामने स्टेप का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अभी गाइज आपको बैंक डिटेल्स डालना होगा, तो गाइज देखो यहाँ पर पेमेंट बैंक अगर डालोगे तो आपका नहीं होगा। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आपको फिजिकल बैंक डालना है तभी जाके यहाँ पर आपका काम करेगा। तो आपका जो भी फिजिकल बैंक है और जिसका भी पैन कार्ड डाले हो वो बैंक नेम और पैन कार्ड नेम सेम होना चाहिए, यानी पैन कार्ड जिसके नाम से है बैंक भी उसके नाम से ही होना चाहिए। उसका नेम डालो, आईएफएससी कोड डालो, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालो, रीएंटर बैंक अकाउंट डालो। उसके बाद आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आप लोग टैप कर दो। देन गाइस आपके सामने स्टेप का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोलेगा कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक, सिंपली इसके ऊपर टैप करो। देन आपके सामने आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालना, आधार कार्ड नंबर उसी का डालना जिसका पैन कार्ड डाले हो, ठीक है, सारा कुछ सेम होना चाहिए नहीं तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करो। उसके बाद गाइस आपके मोबाइल नंबर पे यानी आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तभी जाकर आप इसमें अकाउंट बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का भी डॉक्यूमेंट्स लेकर ये सब कर सकते हो, 100% सेफ एंड सिक्योर है, आपको घबराने वाले कोई भी बात नहीं है। अगर आपको फिर भी शक है तो आप गूगल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डालो, यहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालो, कंटिन्यू कर दो, देन आपके सामने स्टेप का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अपस्टॉक डिजी लॉकर अलाउबल ऑप्शन पे टैप कर दो। अलाउबल ऑप्शन पे जैसे टैप करोगे अभी गाइस आपको बोलेगा आपको एक फोटो क्लिक करना होगा और लोकेशन को शेयर करना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर वाला ऑप्शन पे टैप करो, आपके सामने स्टेप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप सिंपली फोटो क्लिक कर लो अपना,
लोकेशन को शेयर कर देना, देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे टैप कर देना। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जैसे ही टैप करोगे तो गाइज आपको बोलेगा आपको रिफंड प्रोग्राम मिल चुका है, आप लोग पर रिफर 300 रुपीज़ करके अर्निंग कर सकते हो। तो अभी सिंपली आप लोग यहाँ पर स्किप का एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे स्किप का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपल आप लोग अभी इसको स्किप कर देना। स्किप जैसे ही करोगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपको बोलेगा आपको अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म करो। तो ओटीपी से आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालो, देन ओटीपी पे टैप कर देना। ओटीपी पे जैसे ही टैप करोगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को पास यहाँ पर सबमिट कर दो, देन नेक्स्ट पे टैप कर दो, देन आपके सामने स्टेप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो बेसिकली ये अकाउंट खोलने के लिए पैसा लगता है, लेकिन अभी आप लोगों का ये अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुलेगा। आपको इस टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आपको देखोगे फ्री का एक ऑप्शन मिल जाएगा। फ्री वाला ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ पर आपको बोलेगा डू यू हैव ए मोबाइल नंबर लिंक विद योर आधार कार्ड। यहाँ पर बोल रहे हैं आपका आधार कार्ड क्या मोबाइल नंबर के साथ लिंक है, अगर है तो येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अगर देखो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक है तभी जाकर आप ऑनलाइन ये अकाउंट खोल सकते हो, अदरवाइज नहीं खोल सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू पर टैप करो, देन कंटिन्यू पर जैसे ही टैप करोगे तो अभी आपको बोलेगा आप अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड करो, फ्रंट और बैक, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करो, आप अपने बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज अपलोड करो, कुछ इस टाइप से जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगेगा, और सिग्नेचर अपलोड करने को बोलेगा। आपका एक फोटो लगेगा और वाइट पेपर में एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पर आपको, देन नेक्स्ट पे टैप कर देना होगा। तो सारा कुछ मैंने कर लिया है, करने के बाद नेक्स्ट पे टैप कर दो। नेक्स्ट पे जैसे टैप करोगे इस टाइप का एक व्यू आ जाएगा, यहाँ पर टैप करके अपलोड कर सकते हो। देन आपको बोलेगा ई साइन विद आधार ओटीपी, तो सिंपली इसके ऊपर टैप करो। देन यहाँ पर आपको इस टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, मैं जूम किया हूँ, ई साइन का एक ऑप्शन मिलेगा, छोटा सा देखने को मिलेगा, जूम कर देना, ब्राउज़र से रिडायरेक्ट किया जाएगा आपको, वहाँ पर टैप करना। देन गाइज यहाँ पर आपके रजिस्टर किया गया आधार नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालो, सबमिट कर दो। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालो, सबमिट करो। देन यहाँ पर देखोगे साइन इन का एक ऑप्शन आएगा छोटा सा यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टैप कर देना, यहाँ पर जैसे टैप करोगे तो गाइस अभी आपको यहाँ पर आधार कार्ड पूछेगा, तो सबसे पहले आई हेयर बाय ऑथोराइज यहाँ पर इस पर टैप कर देना, ये वाला इस ऑप्शन पे टिप टैप कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड डालना, उसके बाद सेंड ओटीपी पर टैप कर दो। सेंड ओटीपी पर जैसे टैप करोगे आपके आधार कार्ड नंबर पर, यानी जो भी आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालो, वेरीफाई वाला ऑप्शन पर टैप कर दो यहाँ पर ग्रीन वाला पर। देन यहाँ पर आपको बोलेगा आपका जो एप्लीकेशन है हमारे रिव्यू के लिए चला गया है, आप 1 से 2 दिन वेट करो, उसके बाद आपका फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद अप्रूव किया जाएगा। तो अभी आपको करना क्या होगा, देखो गाइस आप 1-2 दिन वेट करो, देन आपने जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए होंगे या फिर जो भी मोबाइल नंबर से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए होंगे उसके आपको एक उसमें आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो जैसे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तब आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अभी आपको करना क्या होगा, अभी प्ले स्टोर पर जाके सिंपल आप लोगों को ऐप स्टॉक यहाँ पर लिखना है। ऐप स्टॉक जैसे लिखोगे तो आपको इस एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा ऐप स्टॉक म्यूचुअल फंड वाला, तो इसको सिंपल आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। इसको जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको इसका यूज़र आई डी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो चलो यहाँ पर मैं ऐप स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, तो इस टाइप से यूज़र आई डी होगा और आपको पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो चलो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन हो जाओगे आपके सामने स्टेप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अभी आपको बेनिफिट क्या होगा सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो आपका एक डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल गया, आप लाइफ टाइम तक कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पैसे को डबल कर सकते हो, ये एक बेनिफिट हुआ। और दूसरा गाइज आप लोगों को एक सरप्राइज स्टॉक बिल्कुल फ्री में मिला है ऐप स्टॉक की तरफ से। तो आप सिंपली पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पर टैप करना, देन यहाँ पर ऊपर देखोगे एक होल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर इसमें रहेगा तो आपको होल्डिंग पर टैप कर देना है। ऊपर देखोगे आपको एक स्टॉक बिल्कुल फ्री में मिलेगा जो कि मुझे भी मिला था, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट हो गया और ऊपर से आपको रिफंड प्रोग्राम भी मिल रहा है जिसमें आप लोग पर रिफर 300 रुपीज़ करके अर्निंग कर सकते हो। गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको तगड़ा अर्निंग यहाँ पर होने वाला है। तो आपको रिफर करने के लिए करना क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल जाएगा यानी प्रोफाइल का, सिंपल वहाँ पर टैप करो। आपके सामने स्टेप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देखोगे रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल वहाँ पर टैप करो। वहाँ पर जैसे ही टैप करोगे यहाँ पर देखोगे अभी आप लोगों को पर रिफर 500 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। तो गाइस जब मैं वीडियो बना रहा था 300 रुपीज़ दे रहा था, लेकिन अभी आप लोगों को 500 रुपीज़ दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पर रिफर 500 रुपीज़। तो सिंपल आप लोग व्हाट्सअप के भाई पर कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन आप अपना रेफरलिंग इस टाइप से शेयर कर दो, अगर कोई भी बंदा आपके रेफरलिंग पे टैप करके सक्सेसफुली एक डीमैट अकाउंट बना लेते हैं ऐप स्टॉक में,
उसके बाद जाके आप डायरेक्ट उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो आपके बैंक में। तो यहाँ पर ऐसे करके आप जितना रेफर कर सकते हो कर लेना। उसके बाद सिंपल नीचे माय अर्निंग और रेफरल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे ही टैप करोगे तो आपका एक छोटा सा ब्राउजर से रिडायरेक्ट किया जाएगा जो कि अपस्टॉक के अंदर ही होगा। यहाँ पर आपका जितना भी अर्निंग है यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर विड्रॉ भी लगा सकते हो और टेकआउट भी कर सकते हो और हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो आपका कितना रेफर हुआ है या नहीं। तो गाइस देखो मुझे अभी अभी पता चला है ये ऑफर के बारे में, तो जल्दी से जाओ, काफ़ी तगड़ा ऑफर है, पर रेफर 500 रुपीज़ यार कोई भी नहीं देता है। तो जल्दी से जाओ, इसको मत छोड़ो, कोई भी सब जाके लूटो। और इसके इसमें कैसे आपको विड्रॉ करना है उसके रिगार्डिंग में वीडियो में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेक श्योर करो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर रहो। अगर गाइस बात करता हूँ प्रूफ की, तो यार मेरे एक फ्रेंड ने ही 15,000 रुपीज़ अर्निंग कर लिया है बस कुछ बंदे को रेफर करके, जो कि मुझे स्क्रीनशॉट भी दिया है। काफ़ी लोगों ने गाइस 8,000 10,000, किसी ने तो 1-2 लाख भी अर्निंग कर लिया इसमें रेफर करके, क्योंकि देखो यार पर रेफर 500 रुपीज़ दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग प्रूफ भी देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो।